दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया हुई घोषित। देखिए 18 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज कब खेली जाएगी, कितने बजे से खेली जाएगी। इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की 18 सदस्यीय टीम घोषित हो चुकी है। कौन कौन से युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है पूरी लिस्ट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम को हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, जहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया 3-0 से हारी थी और भारतीय टीम को बुरी तरह से शिकस्त मिली थी। इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरा करने के लिए आई, जहां 3 मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा की वापसी हुई। कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को खूब बेहतरीन तरीके से संभाला और भारतीय टीम को इस सीरीज में 3-0 से ऐतिहासिक जीत दिलाई। ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने काफी शानदार प्रदर्शन किया। अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है। T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, जिसमें कई सारे बेहतरीन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल। सबसे पहले तो भारत और वेस्टइंडीज का पहला T20 मुकाबला 16 फरवरी 2022 को खेला जाने वाला है, जो कि कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगी। इसके अलावा दूसरा T20 मुकाबला 18 फरवरी 2022 को खेला जाएगा और यह मैच भी कोलकाता में ही खेला जाएगा। इसके अलावा तीसरा T20 मुकाबला 20 फरवरी को खेला जाएगा और यह मैच भी कोलकाता में ही खेला जाने वाला है। यानी कि तीनों ही मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाने वाले हैं। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए क्रिकेट इतिहास के T20 मुकाबलों के रोमांचक आंकड़ों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 क्रिकेट के इतिहास में 17 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है। इसके अलावा 6 मुकाबलों में वेस्टइंडीज की टीम को जीत हासिल हुई है और एक मुकाबला टाई भी रहा है। ऐसे में टीम इंडिया का जीत का प्रतिशत 62% है। इसके अलावा वेस्टइंडीज की टीम का जीत का प्रतिशत 37% है। ऐसे में इन आंकड़ों की माने तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 2019 में खेली गई थी, तब भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से इस सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की 18 सदस्यीय टीम क्या होने वाली है, कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिला है, तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की। तो दोस्तों इस T20 सीरीज के लिए 5 बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा आप सभी को कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था और कप्तानी में रोहित शर्मा ने बेहद ही लाजवाब प्रदर्शन किया था। ऐसे में रोहित शर्मा चाहेंगे एक बार फिर से भारतीय टीम को 3-0 से यह T20 सीरीज भी जिताए। इसके अलावा नंबर 2 पर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को मौका मिला है। विराट कोहली का प्रदर्शन हालिया काफी खराब रहा है। इस वनडे सीरीज में भी विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ काफी शर्मनाक प्रदर्शन किया। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि T20 सीरीज के द्वारा इनके वापसी देखने को मिले। इसके अलावा नंबर 3 पर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को मौका मिला है। श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं और शानदार बल्लेबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं। भारतीय टीम की तरफ से मध्यक्रम बल्लेबाजी संभालने का काम करते हैं। इसके अलावा चौथे बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव को मौका मिला है, जिन्होंने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में अपने बल्लेबाजी से आग उगली है। जी हां दोस्तों सूर्य कुमार यादव के द्वारा बेहद ही आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली। इसके अलावा 5वें बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों इस युवा खिलाड़ी को एक बार फिर से भारतीय टीम में मौका दिया गया है। वनडे सीरीज के द्वारा इन्हें चयन किया गया था, लेकिन दोस्तों इन्हें प्लेइंग 11 में खेलने का मौका ही नहीं मिला। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं ऑलराउंडर खिलाड़ियों की। तो इस T20 सीरीज के लिए 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। सबसे पहले तो वेंकटेश अय्यर आप सभी को मुख्य ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। वेंकटेश अय्यर का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है। जैसे प्रदर्शन की इनसे उम्मीद की जा रही है, उस तरह का प्रदर्शन अब तक इनके द्वारा देखने को नहीं मिला है। हालांकि बल्लेबाजी गेंदबाजी में वेंकटेश अय्यर अपना भरपूर योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। वाशिंगटन सुंदर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाने में कामयाब हो पाए।
पाए हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी काफी शानदार रही थी और जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी करने का भी दमखम रखते हैं। इसके अलावा तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर दीपक हुडा को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, दीपक हुडा पहले तो T20 के स्क्वाड में मौजूद नहीं थे, लेकिन अब उन्हें शामिल किया गया है। दीपक हुडा अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, साथ ही में गेंदबाजी में भी थोड़ा सा दमखम लगा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय टीम में दो अहम विकेटकीपर बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। सबसे पहले तो आप सभी को ऋषभ पंत मुख्य विकेटकीपर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। ऋषभ पंत का हालिया प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन तीसरे वनडे मुकाबले में ऋषभ पंत के बल्ले से हमें अर्धशतकीय पारी देखने को मिली थी। लेकिन ऋषभ पंत को इस T20 सीरीज में काफी आक्रामक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलानी होगी, तब जाकर ही टीम इंडिया में उनकी जगह लगभग तय होगी। इसके अलावा दूसरे विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ईशान किशन भी एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं और साथ ही में दोस्तों ओपनिंग कर सकते हैं और मध्यक्रम में भी बल्लेबाजी करने का दमखम रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईशान किशन को T20 सीरीज में मौका मिल पाता है या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ इस T20 सीरीज के लिए दो अहम स्पिनर गेंदबाजों को मौका मिला है। सबसे पहले तो युजवेंद्र चहल आप सभी को एक बार फिर से स्पिन गेंदबाजी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। युजवेंद्र चहल का हालिया प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने वापसी करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को मैदान पर टिकने नहीं दिया था और जल्द ही विकेट ले रहे थे और अपने फॉर्म में भी नजर आ रहे थे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि T20 सीरीज में इनके द्वारा किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा रवि बिश्नोई को भी मौका दिया गया है। इस युवा स्पिनर गेंदबाज को एक बार फिर से भारतीय टीम में जगह मिली है। अब तक इन्हें वनडे टीम में भी शामिल किया गया था, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला, लेकिन इस वनडे सीरीज के द्वारा इन्हें जरूर मौका मिल सकता है। इसके अलावा आप सभी को तेज गेंदबाज के तौर पर 6 तेज गेंदबाजों को मौका मिला है। पहले गेंदबाज की बात करें तो दीपक चहर आप सभी को शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। दीपक चहर ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में बल्लेबाजी से काफी शानदार प्रदर्शन किया था। गेंदबाजी में तो अलग ही तहलका मचाया था। ऐसे में इसके अलावा दूसरे गेंदबाज के तौर पर शार्दुल ठाकुर को मौका मिला है, जो कि अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। शार्दुल ठाकुर का हालिया प्रदर्शन काफी खराब रहा है, उम्मीद करते हैं कि इस T20 सीरीज के द्वारा वापसी करें। इसके अलावा तीसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को एक बार फिर से शामिल किया गया है। तीसरे वनडे मुकाबले के द्वारा मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए इस वनडे सीरीज में मोहम्मद सिराज ने काफी इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है, यानी कि बहुत ही कम रन खर्च किए हैं। इसके अलावा चौथे गेंदबाज के तौर पर भुवनेश्वर कुमार को भी मौका दिया गया है। भुवनेश्वर कुमार इस T20 सीरीज में एक अनुभवी गेंदबाज के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। अगर भुवनेश्वर कुमार इस T20 सीरीज में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो भारतीय टीम की इनसे छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवें गेंदबाज की, तो आवेश खान को इस T20 सीरीज के लिए एक बार फिर से मौका मिला है। आवेश खान को वनडे सीरीज में भी मौका मिला था, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने का मौका इन्हें नहीं मिला। इसके अलावा आप सभी को छठे गेंदबाज के तौर पर हर्षल पटेल को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, हर्षल पटेल भी एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, जिन्होंने IPL 2021 में काफी शानदार प्रदर्शन किया था। RCB की तरफ से इन्होंने वाकई कमाल की गेंदबाजी की थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम में इन्हें शामिल किया गया है। कुछ इस तरह से भारतीय टीम की 18 सदस्यीय टीम है। दोस्तों इसी में आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या इस T20 सीरीज को जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।